यूजुअली आप मुझे इस तरह की स्टोरीज करते हुए नहीं देखते। किसी का दुख, किसी की तकलीफ, किसी की परेशानी, उस दुख, उस तकलीफ, उस परेशानी को अपनी पत्रकारिता के लिए इस्तेमाल करना पत्रकारिता नहीं है। लेकिन आज मजबूरी ये है कि ये एक माँ है, ये इस माँ की फोटोग्राफ है और उसके अलावा भी ये फोटोग्राफ भी दिखाती है, ठीक है। ये इनके पति हैं, ध्यान से देखिएगा। आप जहाँ पर भी हैं, जिस भी जगह हैं, दुनिया के जिस भी कोने में हैं, मेहरबानी करके आप इस फोटोग्राफ को ध्यान से देखें। आप जहाँ पर भी हैं, आपकी धर्मपत्नी इस समय जम्मू में नौबाद थाने में आपको मिलेंगी। अभी नौबाद थाने के पुलिसकर्मी यहाँ पर मेरे पास है, आरएस जम्वाल साहब हैं, इसके साथ ये भी नौबाद थाने के साथ जुड़े हुए हैं, पुलिसकर्मी यहाँ पहुँची हुई है, समाज सेवक कुछ हैं जो कैमरे के सामने नहीं आना चाहते हैं। बड़ा अजीब है, यहाँ पर ऐसी समाज सेवा हो रही है जहाँ कैमरा सब ढूंढते हैं, लेकिन कुछ समाज सेवक ऐसे हैं वो कैमरा नहीं ढूंढ रहे कि जी कैमरे पे हमको नहीं आना। और यहाँ तक भी उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की कि किसी की तकलीफ को, मिजरी को, परेशानी को खबर बनाना अकलमंदी नहीं। लेकिन अब चूंकि मजबूरी है कि इस माँ की तस्वीर पूरे पंजाब में जाए, पंजाब के जिस भी परिवार से ये आती हैं, परिवार को थोड़ी सी शर्म आए कि माँ सड़क के ऊपर है और आपको थाना बता रहा है, और थाना भी इसलिए बता रहा है क्योंकि कुछ समाज सेवक हैं जो कैमरे के पीछे हैं, वो चाहते हैं ये माँ अपने घर पहुँचे। माता जी, आपका आधार कार्ड कहाँ पे है? थोड़ा आधार कार्ड कुछ है, ये मुझे दे दो, मैं करता हूँ इसको। माता जी से बात हो रही है और मुझे लगता है इसके बीच में आप लोग इस लाइव को शेयर भी करें। शेयर इसलिए करें ताकि ये माँ अपने घर पहुँचे। इस COVID-19 के लॉकडाउन के बीच में कोई भी कारण हो, कोई भी वजह हो, इनके परिवार से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा इनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। ये आया ना, ये आ गया, ये निकालो। हाँ, ये ठीक है। ये इनके पति का नाम है सतनाम सिंह और इनके उनके पिताजी का नाम दलीप सिंह, और इनका हाउस नंबर है 134, विलेज घनाई के बांगड़, तहसील बटाला, गुरदासपुर के रहने वाले हैं। और ये माताजी का, ये जो मेरे साथ माताजी हैं, ये इनका आधार कार्ड है। आधार कार्ड का नंबर मैं आपके साथ शेयर नहीं करूंगा। इनका नाम है बलवीर कौर, 1952 इनकी डेट ऑफ बर्थ है, और ये रहने वाली हैं वाइफ ऑफ सतनाम सिंह, घणी के बांगर गुरदासपुर बटाला पंजाब की रहने वाली हैं। इनके पास आधार कार्ड भी है, और सिर्फ इनका ही आधार कार्ड नहीं है बल्कि इनके पति सतनाम सिंह का आधार कार्ड भी इन्हीं के पास है। ये आप देख सकते हैं, ये अपने पति का आधार का, अपना अपने पति का फोटो, वोटर आई कार्ड बार बार बता रही हैं। मेरी विनम्र विनती और आग्रह, पहली बात तो ये कि जब इनसे बात की तो एक बात पता चली, इन्होंने कहा मैं अपने पति को ढूंढने के लिए निकली हूँ। इनके परिवार के लोगों से पूछा तो उन्होंने ये कहा कि हमें ये नहीं पता हमारे पिताजी कहाँ चले गए, और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि हमारी माँ का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, कहीं भी निकल जाती है। ये माँ है, आपने साफ तौर पर सुन लिया है। अब जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इसको शेयर कीजिए, रीशेयर कीजिए, और परिवार से विनम्र विनती और आग्रह कि माँ के बगैर आपको नींद कैसे आ रही है, माँ के बगैर आप घर में सुकून से कैसे बैठे हुए हैं, इस माँ के बगैर आपको चैन कैसे आ रहा है। मेरी गुजारिश, जहाँ तक जम्मू के प्रशासन का ताल्लुक है, उन्हें जो करना था उन्होंने वो कर लिया, लेकिन उम्मीद और तवक्का इनके घर परिवार से ये कि इनका घर परिवार इस माँ को ढूंढता हुआ यहाँ आएगा। और ये माँ निकली क्यों है? पति का आधार कार्ड है, पति का वोटर आई कार्ड है, अपने पति को ढूंढने के लिए निकली है। इस समय नवाबाद थाना, जम्मू डिस्ट्रिक्ट में नवाबाद थाने में ये हैं। नवाबाद थाने का नंबर आप उस पर संपर्क साध सकते हैं और आपको नवाबाद थाने का नंबर मिल जाएगा, यूट्यूब से, गूगल से आपको मिल जाएगा, आप उनसे संपर्क करें। और जहाँ तक मेरी जानकारी है, SHO नवाबाद ने इनके परिवार से संपर्क किया है। परिवार से संपर्क करने के बाद उन्होंने ये कहा, उनके परिवार के कुछ लोग यहाँ पर रहते हैं, लेकिन क्या इस माँ को, इसके घर में लोग इसको लेने के लिए वापस आएंगे?
इनका आज ही सुबह टेस्ट हुआ है, जब ये आई हैं लखनपुर में इनका टेस्ट हुआ है, टेस्ट होने के नेगेटिव होने के बाद उनको अंदर आने के आदेश दिए गए हैं, इजाज़त दी गई है, टेस्ट की रिपोर्ट भी इनके पास है, टेस्ट नेगेटिव है। आप देख रही हैं कि ये फरोल रही हैं अपने झोले में कि कुछ और मिल जाए जिससे मैं ये बताऊं कि मैं कहाँ के रहने वाली हूँ। क्या एक माँ को सड़क के ऊपर होना चाहिए था? क्या इस पेंडेमिक के बीच में एक माँ को सड़क के ऊपर होना चाहिए था? देखते हैं कि क्या इनका परिवार इनको वापस लेने आएगा, और क्या इनके परिवार के लोग इस वीडियो के बाद ये समझेंगे कि माँ के बगैर दुनिया अधूरी है, माँ के बगैर आपका घर अधूरा है, माँ के बगैर आपकी ना आपको दिन में चैन आना चाहिए ना आपको रात में चैन आना चाहिए। तो उम्मीद और तवक्का ये इस माँ को इसका घर जल्दी मिलेगा, और हमारा साधुवाद उन समाज सेवकों को जिन्होंने इस माँ के लिए कोशिश की है, पुलिस से संपर्क साधा और बाकी तमाम लोगों से संपर्क साधा है। उम्मीद है इस माँ को घर जल्दी मिलेगा।